कोरोना में मैंने बहुत कुछ नया किया, जैसे झाड़ू, पोछा, डस्टिंग, बर्तन, विच इज ओके। प्रॉब्लम घर का काम करने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अब ये काम मेरी वाइफ को पसंद आने लग गया। लास्ट वीक शी टोल्ड मी कि यार तुम तो सुनीता से भी अच्छी डस्टिंग करते हो। कसम से पहली बार लाइफ में कॉम्प्लीमेंट मिला और मुंह से थैंक यू नहीं निकला। कोरोना का डर ऐसा है कि पिछले 7 महीने से घर बैठा हूँ, और हमारा ये हाल है कि पिछले 4 महीने में 40 मास्क खरीद चुका हूँ, क्योंकि वाइफ को सब क्यूट लगते हैं। देखो, घर आना सबको अच्छा लगता है, मगर घर बैठना नहीं। और मुझे तो शोज़ के बहाने शहर घूमने की आदत है, कोई लॉन्ग वीकेंड भी आता तो शॉर्ट ट्रिप के लिए निकल जाते, मगर अब 7 महीने से घर बैठे। घर लेते वक्त मेरी वाइफ ने बोल दिया था कि घर ऐसा हो जिसे देखते हुए, जिसकी बालकनी में बैठे हुए सारा दिन निकल जाए। इट्स हर विजन दैट बिकेम अ रियलिटी विद दिस होम। आफ्टर ऑल यू गॉट टू मेक द फाइनेस्ट चॉइस एंड दैट्स गॉट अस हियर एट लोदा फ्योरेंजा। अब ऑडियंस डिजिटल हो गई है तो परफॉर्मर और परफॉर्मेंस को तो वर्चुअल होना ही था, तो मैं अपनी ग्लोबल ऑडियंस को एंटरटेन करता हूँ इस गेस्ट रूम से, जिसकी साउंड प्रूफ खिड़कियाँ इंश्योर करती हैं कि बाहर की कोई आवाज़ अंदर ना आ सके और मेरे जोक्स भी बाहर ना जा सके। तो अब मेरी वाइफ को पता ही नहीं चलता कि आज का पूरा सेट उसी पे था। मैं ना हमेशा से मूवी ना लिखने का एक्सक्यूज देता था कि लिखना चाहता हूँ मगर टाइम नहीं निकाल पा रहा, मगर अब सारे एक्सक्यूजेस खत्म। वक्त और सुकून चाहिए लिखने के लिए, वो है। खुली हवा चाहिए सोचने के लिए, वो भी है। सिक्योरिटी या कोई भी सामान ना मिलने की चिंता, वो तो हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं हमने देखी नहीं है। मतलब सारी जिंदगी हर चीज के पीछे भाग लेने के बाद जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे इस घर ने भी एक दोस्त की तरह साथ दिया है। अब महसूस होता है कि शायद जीना इसी को कहते हैं। और एक बात, वाइफ जितना मर्जी वर्कआउट करवा ले, कभी भी बालकनी में जंपिंग जैक्स मत करना। मैं बता रहा हूँ, लोगों को ये लगेगा कि जैसे तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम हमसे मदद मांग रहे हो। और ऑनेस्टली, परफॉर्मेंसेज के चक्कर में इतनी दुनिया देखी है, दुनिया भर में घूमे हैं, बट लॉकडाउन में लग रहा है कि जैसे एक दुनिया तो घर में भी क्रिएट की जा सकती है।